फ्रेंड्स, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली मंचूरियन, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बिल्कुल अलग। तो चलिए शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए 1 कप उड़द का दाल, उसको हम अच्छी तरह पानी में धो के इसको भिगने के लिए छोड़ दिए थे, और 2.5 कप मोटा वाला चावल, जिसे इडली बनाते हैं या डोसा बनाते हैं, वो डाल दिए थे। ये भी अच्छी तरह फूट गया है। धोने के बाद एक मिक्सी जार में डाल के इसे बारीक पीस लेंगे। दाल पीस जाने के बाद एक बर्तन में इसे डाल देंगे। अब इसी मिक्सी जार में हम डालेंगे चावल। चावल में भी थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे। दाल के घोल में ही पिसा हुआ चावल भी डाल के इसे मिला देंगे। इन दोनों को अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे 7 से 8 घंटा खमीर होने के लिए छोड़ देते हैं। 8 घंटा हो गया है, अब इसे हम देख लेते हैं। अब देखिए खमीर के कारण कितना हल्का हो गया है। इसके बाद डाल देंगे इसमें नमक 1 चम्मच के करीब। अब हम ले लेंगे इडली स्टैंड। अब इसे थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसे ग्रीस कर देंगे इसका ईयर, ताकि इडली चिपके नहीं। अब हम इडली स्टैंड में घोल डाल देंगे, पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे इसको। में घोल डाल चुके हैं। इडली स्टैंड में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे और पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें ये सांचा डाल देते हैं, दूसरा वाला भी डाल देते हैं। अब इसे हम ढक के 12 से 15 मिनट तक पका लेंगे। आंच को मीडियम रखे हैं। 15 मिनट हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। अब हम टूथपिक की सहायता से इसे देख लेते हैं एक बार। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना क्लीन निकला है। इसी तरह सारे निकाल लेंगे। अब हम इडली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से 1 का 4 पीस कर देंगे। अगर जो आपको मन है तो आप छोटा पीस भी ज्यादा कर सकते हैं। इडली कट के तैयार हो गई है। अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। गरम पानी में डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल, 1/2 चम्मच जीरा। जीरा चटक जाने के बाद डालेंगे लहसुन 1 पोटली, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 4 हरी मिर्च, जिसको हम बीच से चीरा लगा दिए हैं, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ सके। इन सभी चीजों को खुशबू आने तक भून लेंगे। लहसुन का कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम डाल देंगे 2 कटा हुआ प्याज, जिसको हम इस तरह से स्क्वायर में काट लिए हैं। 1/2 कटा हुआ हरी शिमला मिर्च, 1/2 कटा हुआ लाल वाली शिमला मिर्च। अगर जो आपके पास पीली वाली शिमला मिर्च है तो भी डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है एकदम। आंच को हम मीडियम रखे हैं और मीडियम आंच पे ही इसे हम भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक और इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद डाल देंगे 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 2 चम्मच डाल देंगे चिली सॉस और 1 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस। नमक हम इसलिए कम डाले थे क्योंकि सोया सॉस में भी नमक रहता है। और इन सभी चीजों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये कटा हुआ इडली डाल देंगे। और इसके साथ भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे।
इडली के ऊपर मसाले की कोटिंग अच्छी तरह से हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। इस तरह बनाएं इडली मंचूरियन।